एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद माय डॉटर। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन करी, जो खाने में बड़ी ही लाजवाब लगती है। तो बिना टाइम वेस्ट करें अब हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लगेगा आधा केजी साफ किया हुआ चिकन। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा कप दही, एक बड़ा चम्मच चिकन मसाला, एक छोटी चम्मच हल्दी, दो बड़े चम्मच जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इसे एक घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कढ़ाई में कोकोनट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये हमारे कोकोनट रोस्ट हो चुके हैं। अब हम एक कटे हुए प्याज को ड्राई रोस्ट करेंगे। हमारी प्याज रोस्ट हो चुकी है। अब हम ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें लगेगा टमाटर, पुदीना, धनिया, रोस्ट किया हुआ प्याज, रोस्ट किया हुआ कोकोनट, तीन हरी मिर्च। अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। तब तक हम एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे होममेड मसाला। अगर आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो ग्रेवी के लिए मसाला रेडी किया था वो। अब हम इसे अच्छे तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इस चिकन को मसाले में बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, इसे हम 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। जब तक चिकन अच्छे से गल ना जाए तब तक इसे पकने दीजिए। चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे घर पर ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।